بالله السميع العليم ومن الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। शबे ज़र्बत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। ये रात यकीनन शबे आशूर से कम नहीं है। ये रात सोगवारों के लिए आंसू भरी रात है। ये रात रोज़ेदारों के लिए बड़ी दर्द भरी रात है। ये रात वो रात है कि जिसमें दुनिया उजड़ गई चाहने वालों की। विलायत अली रखने वाले जो दिल में मोहब्बत अली रखते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा दर्द और अंदोह भरी रात है। और इसमें अली के बताए हुए रास्ते पर चलना और अली की बताई हुई हिदायत के ऊपर अमल करना ही कामयाबी है। इरशाद कुरानी हो रहा है कि लकद अरसलना रसुलना बिलबैनात वअनज़लना माहुमुल किताब वल मीज़ान, कि हमने रसूलों को भेजा बैनात के साथ, खुली हुई निशानियों के साथ, और उनके साथ हमने वअनज़लना माहुमुल किताब वल मीज़ान, और उनके साथ हमने किताब को भी भेजा और मीज़ान को भी भेजा। लियकूमन नासु बिल क़िस्त, ताकि लोग अदल पर आ जाएं, इंसानियत अदल पर आ जाए। वअनज़लनल हदीद फीहे बासुल शदीद, और हमने तो लोहे को नाजिल किया कि जो कुछ लोगों के लिए बहुत ही शदीद है, सख्तगीर है। और वमनाफ़ेउन लिन्नास, और यही वो लोहा है कि जो लोगों के लिए जो मुनाफा बख्श है और मुनाफा देने वाला है। ईसा करीमा में परवरदिगार आलम ये वाज़े तौर पर ऐलान कर रहा है कि उसने रसूलों को भेजा, रसूलों को भेजने का एक मकसद था। रसूलों के साथ उसने, ऐसा नहीं है कि फ़कत रिसालत का ही ऐलान किया और रसूलों को ही भेजा, नहीं, उस परवरदिगार ने रसूलों को भेजने के साथ साथ ये एहतमाम भी किया कि उनके साथ किताब भेजी और उनके साथ एक मीज़ान भेजी, और उसके बाद फिर लोहे को नाजिल किया। यानी अगर आज के दौर में किसी भी हुकूमत के सिलसिले में कहा जाता है कि हुकूमत कोई भी होती है, तो उमूमी तौर पर उस हुकूमत में यही इज्जा होते हैं जो हुकूमत के क़याम के लिए होते हैं। यानी एक कानून होता है हुकूमत का, आईन होता है हुकूमत का, और उसके बाद, उस आईन के बाद एक
अदालत होती है कि जहाँ मीज़ान को कायम किया जाता है, और उस अदालत और उस कानून के नफाज के सिलसिले में अगर ज़रूरत होती है तो असलहे की ज़रूरत होती है। यानी एक हुकूमत के तीनों ब्रांचेस का ऐलान किया गया है। एक ब्रांच है कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसमें आईन का तस्करा किया गया है। दूसरी ब्रांच है जुडिशरी की, जिसमें कानून का तस्करा किया गया है। और तीसरी ब्रांच है एग्जीक्यूटिव, जिसका काम है कानून का इजरा करना और कानून का निफाज करना। परवरदिगार ने इन तमाम से लैस करके, तैयार करके अपने अंबिया को भेजा है। और मकसद क्या है, हदफ क्या है भेजने का, उसका ऐलान किया और कहा कि हमने तो इनको इसलिए भेजा, हमने इन रसूलों को इसलिए तुम्हारे दरमियान भेजा कि लयकूम अन्नास बिलकिस्त, ताकि लोग अदल पर कायम हो जाएं, अदल पर आ जाएं। लोगों का तस्किरा किया गया है, इसमें इंसानों का तस्किरा किया गया है, इसमें ना मुसलमानों का तस्किरा है ना इसमें मोमिनीन का तस्किरा है। यानी पूरी बनी नौ इंसानियत को अदल पर लाने का मकसद है, इसलिए ये तमाम एहतमाम किए गए हैं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। तो परवरदिगार ने यह एहतमाम किया है कि सारे जहान, सारे इंसान, सारे लोग, हर दौर में माजी का भी तस्करा है, महाल भी है, मुस्तकबिल भी है। जब तक रसूल आते रहे, जब तक कवानीन शरीयत आते रहे, जब तक मीज़ान भेजी जाती रही, बयनात को भेजा गया, यानी खुली हुई निशानियों के साथ भेजा गया, मोजज़ात के साथ भेजा गया, और उसके बाद इन तमाम एहतमाम के बाद एक मकसद है, एक हदफ है अल्लाह का, और उस मकसद तक पहुँचने के लिए परवरदिगार ने यह सारा एहतमाम किया है। और उस मकसद का नाम है कि पूरी इंसानियत अदल के ऊपर आ जाए। अगर अदल तक लोग पहुंच जाते हैं तो यही मकसद होगा खुदा के भेजने का। अब अगर अदल तक पहुंचना है तो इसमें यह नहीं कहा गया है कि तमाम अंबिया और तमाम उनके साथ बयनात और तमाम उनके साथ जो मीजान है और उनके साथ किताब, इन तमाम चीजों को जो भेजा गया है, उसका मकसद ये नहीं है कि सबको मुसलमान बना दिया जाए, सबसे कलमा पढ़वा लिया जाए, सबको मोमिन बना दिया जाए, सबको ईमान की तरफ ले आया जाए। नहीं, इसका तस्किरा इस आयत में किया ही नहीं गया है। आयत तो कह रही है कि सबको अदल तक ले आया जाए। यानी इंसान फितरतन अदल से दूर हट सकता है, और जब वो अदल से दूर हटेगा तो उसकी जिम्मेदारी खुदा की है कि वो अदल पर इनको वापस ले आए, और उनको वापस लाने के लिए जो एहतमाम किया गया है उसका तस्करा इस आयत में किया गया है कि अगर इंसान चाहे अदल की तरफ पलट के आ जाए, और अदल की तरफ आने के लिए अगर उसे वसीले की जरूरत है, तो उसका एक वसीला तो खुद उसका नफ्स है, जो उसका हादी और रहबर है, जिसके जरिए वो हिदायत पा सकता है, जिसको अच्छाई और बुराई का इल्म है। वह नफ्स वमा सवाहा फलहमा फजूर हा व तकवाहा, उसने नफ्स को बता दिया है फजूर के बारे में भी और तकवा के बारे में भी। नफ्स को मालूम है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। लेकिन उसके बावजूद इंसान अगर नफ्स को एक तरफ दरकिनार कर देता है और अदल से हट जाता है, यानी जुल्म की तरफ चला जाता है, तो जब वो जुल्म की तरफ चला जाता है तो खुदा चाहता यह है कि जुल्म से माशरे को निकाल के एक अदल के मैदान में पहुंचा दे, एक अदल की मंजिल पर पहुंचा दे। बस यही अल्लाह का मकसद है कि इस अदल तक जब इंसान पहुंच जाएगा तो उसकी मारिफत में भी इजाफा हो जाएगा और वो ईमान तक पहुंच जाएगा। अदल तक पहुंचना हदफ इंसानियत होना चाहिए इस आयत की पेश नजर। और इस आयत की पेश नजर अगर अदल तक पहुंचना मकसद है, तो आज आप दुनिया में देख लीजिए, इसी वक्त कोरोना की बहुत बड़ी वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है, महामारी फैली हुई है, लोग दुनिया में मर रहे हैं, बीमार हैं, पूरी इक्तसादियात उलट के रख दी है इस कोरोना ने। हजारों न्यूक्लियर मिसाइल्स तैयार हैं, रेडार्स लगे हुए हैं, एक मुल्क दूसरे मुल्क पर अगर हमला करने के लिए एक मिसाइल को शूट करे तो दूसरे मुल्क ने यह इंतज़ाम ऑटोमेटिक किया हुआ है कि इधर से जैसे ही मिसाइल चलेगी, उधर से खुद ब खुद उसकी काट के लिए और उसको गिराने के लिए मिसाइल्स तैयार हैं, रेडार तैयार है, उधर इत्तला होगी
और वहां से मिसाइल अपने आप चल देगी और बीच हवा में कहीं जाकर दरमियान में इनके टकराव होगा। इतना एहतमाम कर लिया है, पूरे सिस्टम्स बना लिए हैं, जीपीएस बना लिया है, पूरी इंटेलिजेंस लगी हुई है दुनिया की, उस सब को आप पेश नज़र रखिए। 20-20 हज़ार न्यूक्लियर हेड तैयार बैठे हैं, लाल बटन दबाने के बस डर की देर है कि ये न्यूक्लियर बम अपने आप पूरी दुनिया को फना की तरफ ले जाएंगे। इतनी ताकतवर फौजें हैं कि जिनका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का सिर्फ असलहा मौजूद है, इनके असलहा खाने भरे पड़े हैं, इनकी हुकूमतों की ताकत जिनको ये अपने आप को सुपर पावर कहते हैं सब है, लेकिन अदल से हट चुके। दुनिया में मजालिम का पूरा बाजार गर्म किया हुआ, दुनिया में इंसान की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है, भुखमरी की कोई कीमत नहीं रह गई है, सैकड़ों मील पैदल चल के भूखे लोग अपने घरों तक पहुंचते पहुंचते मरे जा रहे हैं। ये अदल नहीं है, ये जुल्म है। दुनिया के सारे सिस्टम्स फेल हो चुके हैं। इससे पहले सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट सिस्टम फेल हुआ था, अब कैपिटलिस्ट सिस्टम ने सबको फेल कर दिया है। अब कैफियत यह है कि दुनिया की 1 या 2% के पास इतनी दौलत है कि जितनी 99 या 98% के पास, उससे कई गुना ज्यादा दौलत उनके पास जमा हो गई है। तो जमाखोरी हो गई है, चाहे वो असलहे की जमाखोरी हो, चाहे वो गल्ले की जमाखोरी हो, चाहे वो माल की जमाखोरी हो, चाहे वो दौलत की जमाखोरी हो, और चाहे इस बात की जमाखोरी हो कि हम वीटो पावर लगा के किसी भी चीज को रोक देंगे और खत्म कर देंगे। तो अपनी दानिश में उन्होंने पूरा इंतजाम कर लिया है, लेकिन साइंसदानों ने तहकीक की है और इतना मामूली और खफीफ किस्म का ये वायरस है कि अगर पूरी दुनिया में जहां जहां फैला है, जिन जिन इजसाम में ये मौजूद है, अगर उस सब को निकाल के जमा कर लिया जाए और तौला जाए तो वो 3 या 4 ग्राम से ज्यादा नहीं होगा। 4 ग्राम 5 ग्राम कोरोना से पूरी दुनिया के ताले लग गए हैं। तो आप अल्लाह के जलाल और जमाल का अंदाजा कीजिए कि अगर वो चाहे और अपने अदल से तमाम चीजों को बदलना चाहे तो मजाल है किसी ताकत की कि उसके सामने खड़ी होकर कह दे कि हम में ताकत मौजूद है, हम तुझसे मुकाबला कर लेंगे। नहीं, मुल्क उसका है, कुदरत उसकी है, कमाल उसका है, जमाल उसका है, जुलजलाल वल इकराम वो है, तो लिहाजा अगर वो चाहेगा तो फौरन इस दुनिया को एक लम्हे में खत्म कर सकता है। एक वायरस से लड़ने की कुव्वत कई मुल्कों के पास मिल के नहीं, ना इसका इलाज निकाल पाए हैं, ना इसकी कोई दवा निकाल पाए हैं, ना इसकी कोई दिफा का इंतजाम कर पाए हैं। तो यही एक लम्हे फिक्रिया है जिसको बार बार कुरान ने कहा है कि हमारी निशानियों को तलाश करो ताकि तुम हम तक पहुंच सको और हमारी मारिफत को हासिल कर लो। अब तज़किरा चूंकि अदल का है तो सवाल यह है कि यह अदल है क्या। अदल हमारी जबान पर जरूर है, हम इंसाफ और अदल का तज़किरा करते हैं, हमारे यहां जज को भी आदिल कहा जाता है, हमारे यहां मुनसिफ भी होते हैं जो इंसाफ करते हैं, हमारे यहां न जाने कितने और इस तरह के ओहदे हैं जहां यह कहा जाता है कि हम अदल का इजरा करेंगे, हम अदल देंगे माशरे को, हम माशरे को कानून देंगे और उस कानून के तहत अदल करेंगे। लेकिन क्या यह हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो असल अदल है क्या, हकीकत क्या है अदल की, अदल को किसको कहते हैं यह पता नहीं है लोगों को। अगर अदल के बारे में उनको पता चल जाए तो उन्हें हकीकत मालूम होगी कि असल में अदल के लिए अल्लाह क्यों कह रहा है कि सब अदल के ऊपर आ जाएं। वजह क्या है अदल तक बुलाने की? सवाल क्यों किया जा रहा है कि हमने सबको भेजा, अंबिया को भेजा, बय्यनात के साथ भेजा, रसूलों को भेजा, बय्यनात के साथ भेजा, किताब दी, मीजान दिया, ले यकूम अन्नासु बिल किस्त, ताकि लोग किस्त की तरफ आ जाएं, अदल की तरफ आ जाएं।
तो अदल पर लाने की कोशिश क्यों की जा रही है? अदल पर लाने की कोशिश इसलिए की जा रही है कि अदल असल में बका का जामिन है, अदल असल में सुकून देने वाला है। इसी अदल के लिए किसी का नारा है, और वो नारा है कि नो जस्टिस नो पीस, कि जहां अदल नहीं होगा वहां अमन भी नहीं होगा। अदल देगा अमन, तो अगर अमन चाहते हो माशरे में, अमन चाहते हो अपने मुल्क में, अमन चाहते हो पूरी दुनिया में, तो अदल और इंसाफ के दामन को ना छोड़ो, अदल से वाबस्ता रहो ताकि तुम सुकून और इत्मीनान पा सको, अमन देख सको। तो उस अदल तक लाने के लिए इतनी कोशिश की गई है, लेकिन अदल के माने क्या है? तो हमारे महققین ने, उलमा ने, आइम्मा अथहार ने अदल की तारीफ बयान की और कहा कि अदल के माने ये हैं कि किसी शय को उसके सही मुकाम पर रख देने का नाम अदल है, और अगर उस शय को उसके सही मुकाम पर ना रखा जाए तो यह जुल्म। सामने की मिसाल है, अगर टोपी सर पर है तो यह सर पर रखने वाली चीज है, और जूता पांव में है तो यह पांव में रखने वाली चीज है। अगर इनकी जगह को बदल दिया जाए, सर पे जूता हो और पांव में टोपी हो, तो यह जुल्म होगा बल्कि हिमाकत होगी। तो इसलिए हर शय को उसके मुकाम पर रखने का काम अदल का है। अल्लाह ने पूरी कायनात को जो खल्क किया, इस कायनात की खिलकत में खुदा ने यही एहतमाम किया, क्योंकि वो खुद आदिल है और वो अदल से हमेशा काम लेता है, और उसकी हिकमत और रुबूबियत का तकाजा यह है कि चीजों को अदल के मुताबिक खल्क करे और अदल का मुकाम उनको अता फरमाए। किसी को उसने पत्थर बनाया है, यही उसकी खिलकत है। किसी को उसने जमादात में से बनाया है तो यही उसकी खिलकत है और यही उसका अदल है। किसी को नबातात में से बनाया है, दरख्त और पौधे बनाए हैं, ये भी वही है, अदल का ही तकाजा है। इसी तरीके से हैवानात हैं, इंसान हैं, मलाइका हैं, जिन्ना हैं, करुबीन हैं, न जाने कितनी और खिलकत है अल्लाह की, ये तमाम खिलकत जो अल्लाह की है, जो तमाम मौजूद हैं, जो उसकी ईजाद का नतीजा है, वो सब के सब अदल की बुनियाद पर कायम है। और इस कायनात का पूरा निजाम अदल पर कायम है। अगर अदल पर कायम ना हो तो कायनात में फिर कुछ बचेगा ही नहीं। जहां अदल नहीं है वहां जुल्म है, और जुल्म को पायदारी मिलती नहीं है। तो इसी अदल का नतीजा है कि दिनों रात के वक्त को मुय्यन किया गया है, आफ्ताब का तुलू होना, आफ्ताब का गुरूब होना, दिन का आना, रात का आना, और उसके बाद माहताब का आना और माहताब का गुरूब होना, महीनों और साल का तायुन होना, फसलों का आना, मौसमों का बदलना, बारिश का होना, जलजले का आना, तमाम जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में हो रही हैं, वो सब के सब अल्लाह के हुक्म से अदल पर कायम हैं। सलवात मोहम्मद व आलिम। तो जब अदल पर कायम हैं तो वो चाहता ये है कि इंसानियत भी इसी तरह से अदल पर कायम हो जाए। एक ख्याल होता है, और नौजवानों के लिए ख़ास है कि हमारी जवानों में भी है, जमाजद है, तो हम कहते हैं अदल और इंसाफ कीजिएगा। अदल अलग है, इंसाफ अलग है। अदल की कैफियत अलग होती है, इंसाफ की कैफियत अलग होती है। अदल किसे कहते हैं? बताया मैंने आपको कि अदल के माने हैं कि किसी शय को उसके सही मुकाम पर रखना, और इंसाफ के माने क्या? हालांकि ये दोनों साथ साथ इस्तेमाल होते हैं जबान में हमारी, लेकिन इंसाफ के माने दूसरे हैं। इंसाफ के माने, इंसाफ निकला है निस्फ से। निस्फ के माने होते हैं चीज को, किसी शय को बराबर बराबर तकसीम करना। तो तकसीम जब बराबर होती है
उसमें जरूरत को नहीं देखा जाता, उसमें हक को नहीं देखा जाता, उसमें और दूसरी चीजों को नहीं देखा जाता। किसी भी शय को बराबर बराबर से तकसीम कर देना, यह इंसाफ। किसी जगह मजलिस हुई और मजलिस में सबको एक एक रोटी तबर्रुक के तौर पे दी गई। ये एक रोटी जो सबको दी गई है यह इंसाफ है, क्योंकि इस रोटी के देने से सबको बराबर बराबर तकसीम कर दिया गया है तबर्रुक। ये बराबर की तकसीम ये नहीं देख रही है कि किसकी जरूरत क्या है। हो सकता है किसी को एक रोटी ही काफी हो, यह भी हो सकता है कि किसी के लिए एक रोटी बहुत ज्यादा हो, यह भी मुमकिन है कि किसी के लिए एक रोटी बहुत कम हो। लेकिन चूंकि इंसाफ किया जा रहा है तो यह जरूरियात नहीं देखी जा रही है, लेकिन अगर अदल किया जाएगा तो जरूरत के मुताबिक तकसीम की जाएगी। जिसको आधी रोटी चाहिए उसको आधी दी जाएगी, जिसको दो रोटी चाहिए उसको दो दी जाएगी, और जिसको एक रोटी की जरूरत है उसको एक दी जाएगी। यह अदल होगा। तो अदल सिर्फ ये लफ्जी चीज नहीं है, बल्कि हर शय के तवाजुन को बरकरार रखने के लिए उसके इज्जा के तवाजुन का नाम भी अदल है। किसी केमिकल के तवाजुन को मेंटेन रखने के लिए भी जितनी जरूरत मुख्तलिफ केमिकल्स की चाहिए, इज्जा की चाहिए, सही मकदार में अगर वो रख दी जाए तो ये अदल होगा, और अगर उससे जुदा कर दिया जाए और वो अदल उस तरीके से ना रखा जाए उस तरतीब में तो ये अदल नहीं होगा, ये जुल्म हो जाएगा। तो अल्लाह ये चाहता है कि इंसानियत अदल की तरफ आ जाए, और अदल की तरफ आएगी कैसे, तो उसने नतीजा दिया है कि सारे अंबिया सारे रसूल जो भेजे गए हैं उनमें यही तरीका था कि उनके साथ बय्यनात को भेजा, ताकि ये ना हो कि ये कह सकें कि ये रसूल नहीं है। निशानियां लेके जब वो आए थे तो उन्होंने अपनी निशानियों का आयां किया, लोगों के सामने बताया, मोजज़ात लेके आए थे, वो मोजज़ात बय्यन थे, खुले थे, सामने थे, लोगों की समझ में आ गया कि ये नबी है, हुज्जत तमाम हो गई। तो किसी नबी के लिए अगर कोई ऊंटनी को भेज दिया है, या किसी नबी के लिए एक असे को दे दिया है, या किसी नबी के लिए दरिया को पार करवा दिया है, या किसी नबी के लिए कोई और मोजज़ा दे दिया है, तो ये मोजज़ा ये बय्यनात में से था कि जो नबी या रसूल लेके आया था, और उसके साथ फिर वो किताब है जो दस्तावेज अल्लाह की तरफ से आया है। ये इंसानों का बनाया हुआ दस्तावेज नहीं है, ये कानून अल्लाह की तरफ से बना हुआ कानून है। उस कानून को भेज दिया ताकि उस कानून के तहत अमल किया जाए, क्योंकि ये कानून भी अदल पर ही ले जाएगा। और उसके बाद एक मीजान का भी इंतजाम कर दिया ताकि मीजान से तय हो जाए कि काम सही हो रहा है कि नहीं। एक तराजू ऐसी हो कि जिसमें तौला जा सके अमाल को भी, तौला जा सके अफआल को भी। और उसके बाद अब अगर इन तीनों को और नबी की और रसूल की हिदायत को समझ लिया तो माशरा अदल पर आ जाता है, और जब अदल पर वो आ जाता है तो माशरे में सुकून और इत्मीनान हो जाता है, और माशरा कभी बिखरता नहीं। इसलिए कि जिस माशरे में मुकम्मल अदल हो जाएगा, हालांकि हमने वो देखा नहीं है, सिर्फ चंद साल की हुकूमत थी मासूमीन की कि इसमें देख सके, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत और बाद में अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की हुकूमत, इन दोनों में हमने देखा कि जहां अदल को कायम किया गया, लेकिन ये बहुत थोड़े वक्त के लिए। अगर मुकम्मल अदल हो जाए पूरी कायनात में, हर मुल्क उस अदल को कबूल कर ले तो सुकून और इत्मीनान हो जाएगा। मैंने एक आयत पढ़ी थी किसी मजलिस में कि जिसमें कहा गया है कि ओदेना लिल्लदीना युकातिलूना बेअन्नहुम ज़ुलिमू, उन लोगों को इजाज़त दी गई है क़िताल करने की, जंग करने की, कि जिनके ऊपर जुल्म कर दिया गया, यानि जब जुल्म हो गया तब उसके लिए मुकाबला करने के लिए इजाज़त दी गई है कि वो लड़ें और अपना हक हासिल करें, क्योंकि उन पर जुल्म हो चुका है। तो अगर जुल्म हो रहा है
तो वहां अदल को कायम किया जाएगा। अब इस अदल को कायम करने के लिए खुदा ने यही इहतमाम किया है कि रसूलों को भेजा, और जब रसूलों का सिलसिला ख़त्म हो गया तो क्या दुनिया में अदल की ज़रूरत नहीं है? क्या दुनिया में इंसाफ की ज़रूरत नहीं है? क्या दुनिया में सुकून की ज़रूरत नहीं है? क्या दुनिया में हकदार को उसका हक ना दिया जाए? हकदार को उसका हक मिल जाएगा, सारे हकदारों को उनका हक मिल जाएगा, और सारे जालिमीन के ऊपर अगर जुल्म की सज़ा आयत कर दी जाए और उनको सज़ा दे दी जाए तो बताइए कि क्या दुनिया में सुकून और इत्मीनान ना होगा? आज दुनिया में सुकून और इत्मीनान ना होने का सबब यही है कि जालिमीन जुल्म करके आराम से बगैर किसी खौफ के रह रहे हैं और मजलूम पिसा जा रहा है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि अदल से वाबस्ता हो जाए इंसान। और ये नौजवानों के लिए सबसे बड़ा पैगाम है, अपनी ज़िंदगी में अगर आप अदल को कायम कर लें, अपना सोना, जागना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, तालीम हासिल करना, लोगों से मुलाकात करना, समाजी ज़िंदगी, घरेलू ज़िंदगी में अगर अदल पूरे तरीके से अपने ऊपर आयत कर लें तो यही बहुत बड़ी कामयाबी हो जाएगी, क्योंकि इससे फिर आप कभी नाकाम नहीं हो सकते, आपकी एक ज़िंदगी का एक उसूल बन जाएगा और आप कभी भी जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अहले बैत के चाहने वाले जुल्म को क्यों कर बर्दाश्त कर सकते हैं जबकि वो जुल्म के खिलाफ खड़े होने वाले मुझसे? तो अब अल्लाह ने ये इंतज़ाम किया कि उसने नबियों तक तो ये रसूलों तक ये सिलसिला रखा, लेकिन उसके बाद दीन के लिए, अदल पर लाने के लिए एक मजहरे सिफाते परवरदिगार जो वसीये मुस्तफ़ा बन के आया कि ऐन अदल था वो, कि जिसमें तमाम वो सिफाते इलाही थे, और इसको कहना कोई गलत बात नहीं है, 40 रोज तक अगर कोई आम इंसान कोई गुनाह ने कबीरा व सगीरा ना करे, वाजिबात और मुस्तहबात को पाबंदी के साथ वक्त पर अदा करे और तमाम वो अहकामात जो परवरदिगार आलम ने उसके हवाले किए हैं उनके ऊपर अमल पैरा हो, तो खुदा कहता है कि 40 दिन के बाद यही इंसान, आम इंसान, खाकी इंसान ऐसा हो जाएगा कि ये मेरी आंख से देखेगा, मेरी जबान से बोलेगा, मेरे कान से सुनेगा और मेरे हाथ से काम करेगा। यानी इसके तमाम अफआल की जिम्मेदारी खुदा लिए ले रहा है। जब 40 दिन में एक खाकी इंसान में यह सिफत पैदा हो जाती है तो वो कि जो आलम अनवार में परवरदिगार आलम की हमेशा से इबादत करता हुआ इस दुनिया में आया हो, जिसको खाकी पैकर भेज देकर इस दुनिया में भेजा गया हो, वो ऐन अदल और इंसाफ बन जाएगा। और जब वो ऐन अदल और इंसाफ बन जाएगा तो आप मुझे कहने दीजिए कि यह सारी कोशिशें जो की गई थी वो यही थी कि दुनिया अदल की तरफ आ जाए, यानी अली की तरफ पहुंच जाए। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अब अगर वो अदल की तरफ आ जाएगा, इंसाफ की तरफ आ जाएगा, तो वो फिर किसी पर जुल्म नहीं करेगा और जालिम को सजा दिलवाने में मदद करेगा। जालिम को सजा मिल जाए, हकदार को उसका हक मिल जाए, यही सबसे बड़ी कामयाबी होगी। दुनिया के 99% मसाइल का हल इसी में है। एक मुल्क दूसरे पर जुल्म ना करे, दूसरे मुल्क पर, एक इंसान दूसरे पे ना करे, एक शहर दूसरे पे, दूसरे शहर पे ना करे, एक सूबा दूसरे सूबे के ऊपर जुल्म ना करे, हर चीज़ को सही तरीके से अदल के साथ तकसीम किया जाए तो दुनिया के जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो खुराक के हों, चाहे वो इक्तसादियात के हों, चाहे वो मालियात के हों, चाहे वो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन के हों, जितने भी मसाइल हैं, अगर एक ये उसूल इख्तियार कर लिया जाए तो हल हो जाएंगे। तो अली उसी अदल का नाम है, अली उसी अदल की हकीकत का नाम है, अली वही अदल कायम करने के लिए इस दुनिया में आए थे। अली के पास सिर्फ यही एक चीज थी कि जो सारी चीजों के ऊपर मोहित थी,
इसलिए कि अल्लाह के सिलसिले में हम ये कहते हैं कि अल्लाह जालिम नहीं हो सकता, अल्लाह से जुल्म की उम्मीद कर भी नहीं सकता कोई। अल्लाह तो खैर का मरकज़ है, अल्लाह के तमाम अफ़आल भी खैर के हैं, अल्लाह की तमाम ईजादात भी खैर पर हैं और अदल पर मबनी हैं। तो उससे हम बुराई का इजरा, बुराई उससे मुमकिन नहीं है कि हम हासिल कर लें। तो जब वो खैर पर है तो उसने जिसको खल्क किया है खैर पर, वो भी उसी तरीके से खैर पर होगा, और जब वो उस तरीके से खैर पर होगा तो फिर वो वैसा ही होगा कि जैसा खुदा ने उससे कहा है। बल्कि यूं कह दूं कि जब उसके हाथ में अपनी मर्जी को दे दिया है, शबे हिजरत वो बिस्तर पर सोए थे, सोए अपने नफ्स को उन्होंने बेचा, और नफ्स को जब उन्होंने बेच दिया तो अल्लाह ने उनके हवाले अपनी मर्जी कर दी। जब मर्जी ऐसे के हवाले क्या की जा सकती है कि जो माज अल्लाह किसी तरीके का जुल्म कर सके, वो भी अल्लाह की मर्जी, खुदा की मर्जी को इसके हवाले किया जाएगा? नहीं, अल्लाह ने मर्जी उसके हवाले की है कि जो ऐन अदल पर अमल करने वाला है। इसीलिए पहला ही दिन था, गालिबन ये पहला ही दिन था जब जाहिरी खिलाफत मौला को मिली है, तो उस पहले दिन ही अली ने अदल को दिखला दिया लोगों को कि इसकी कैफियत क्या है। खिराज आया और अली मौजूद हैं, और अली ने तमाम खिराज को तकसीम करने का तहिया किया, और उसके बाद तीन तीन दिरहम हर एक के हिस्से में आए, और उन्होंने बुला बुला के सबको उनका हिस्सा खिराज का देना शुरू किया। गुलाम हो या आका, काला हो या गोरा, अरब हो या अजम, ज़ईफ हो या जवान, औरत हो या मर्द, यही हर एक के हिस्से में आया था। तो लिहाजा उन्होंने तकसीम करना शुरू किया, और ये तकसीम हुई तो न जाने कितनों की पेशानियों पे बल आ गए। एक अरब आया और उसने कहा कि कल मैंने अपने गुलाम को आज़ाद किया था, आज इसको भी तीन मिले हैं सिक्के और मुझको भी तीन मिले हैं, क्या मैं और वो बराबर हो गए हैं? मौला फरमाते हैं कि मैंने पूरी तहकीक की है, आदम की औलाद में से कोई भी गुलाम और आका पैदा नहीं हुआ, सब इंसान पैदा हुआ, और मैंने ये तहकीक की है कि इस्माइल में और इसहाक में भी कोई फर्क नहीं है। एक कनीज का बेटा है, एक कनीज का बेटा नहीं है, बाप एक ही है। लेकिन मौला ये कह रहे हैं कि गुलामी और आज़ादी का कोई फर्क नहीं पड़ता, अदल इमामत का तकाजा ये है कि जिसको जितना हक मिलना चाहिए वही मैं दूंगा, उसके अलावा मैं किसी को एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। तो जब इस तरह का अदल मौला कायम करने के लिए दुनिया में आए थे, तो आप सोचिए कि दुनिया की जितनी भी थ्योरीज आई हैं, इकोनॉमिक थ्योरीज और न जाने कितनी और थ्योरीज पूरी दुनिया ने दी हैं, और न जाने कितने कर्ज के बिजनेस इस वक्त पूरी दुनिया में, आपकी इतला के लिए पूरे मुल्कों के जो कर्ज हैं और लोगों के ज़ाती जो कर्ज हैं, चाहे वो मकान बनाने के लिए या मकान ख़रीदने के लिए हो, चाहे वो कार ख़रीदने के लिए हो, चाहे वो किसी और बिजनेस में लगाने के लिए हो, हर तरह के कर्ज को टोटल किया गया तो 250 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है दुनिया पे। बाहर से ये पैसा नहीं आया है, दुनिया वालों का दुनिया वालों पर कर्ज, और इस पर सूद खाया जा रहा है, और सूद के इस धंधे ने पूरी दुनिया को तबाही पे पहुंचा दिया। अब आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे आइम्मा कौन सा अदल और इंसाफ दुनिया में नाफिज करने के लिए आए थे, कि इंसान को कर्ज से, इंसान को माशरे की ऊंच नीच से, ग़ुलामी और आज़ादी से, इंसानी माशरे की तमाम उयूब से आज़ाद करा के इंसान बना दें, ताकि वो बस फकत अल्लाह के बंदे हों और किसी के बंदे ना हों। एक सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद।
یہ ہے حقیقت عدل کہ جس کے نفاذ کے لیے علی نے وہ کوششیں کی کہ جن کوششوں کی وجہ سے معاشرے کو راہ راست پر لانے کے لیے پہلے دن ہی جو اعلان کیا تھا اس اعلان میں یہی بات کہی تھی کہ اگر کسی نے ظلم کر کے مال جمع کر لیا ہے اور جمع خوری کر لی ہے تو وہ یہ یاد رکھے کہ علی اگر اس حرام کے پیسے سے انہوں نے عقد بھی کر لیا ہے تو میں اس پیسے کو مہر کے پیسے کو ان سے نکال لوں گا اور اگر جدائی کرنے کی ضرورت پڑی تو میں شوہر اور زوجہ کے بیچ میں جدائی تک کروں گا۔ یہی علی وہ ہے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ساتوں اقلیم کی حکومت اگر مجھے مل جائے اور اس کے بعد مجھ سے کہا جائے کہ ایک ٹوٹا ہوا اناج کا دانا جو کسی چونٹی کے منہ میں ہو ظلم سے مجھ سے کہا جائے کہ اس کے منہ سے نکال لو تو یہ میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو یہ کتنا بڑا پیغام چاہنے والوں کے لیے، خاص کر کے وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں علی کی محبت کا، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مولائی ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ علی کے بے انتہا چاہنے والے ہیں، شہدائی ہیں، فداکاری کا ان میں جذبہ ہے، یقیناً ہے، تو ان کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے کہ وہ عدل کو اختیار کریں اور معاشرے میں عدل کو لانے کی کوشش کریں تاکہ معاشرہ پرسکون بھی ہو جائے اور علی کی محبت کی فضا ہر طرف دکھائی دینے لگے، معاشرے سے ناانصافی اور ظلم کو نکالنے کا کام اگر ہم اپنے معاشرے میں کرنا شروع کر دیں تو یہی ہمارے لیے کافی ہوگا۔ تو حلال کا کھائیں گے اور حلال کا پہنیں گے اور حلال پہ خرچ کریں گے اور غیر حلال چیز جتنی بھی ہے ان پر خرچہ ختم کر دیں گے، جیسا کہ ابھی کورونا میں ہو گیا ہے کہ لوگوں نے باہر گھر نکلنا ہی بند کر دیا ہے، تو بہت سی چیزیں جو خرچہ کرتے تھے، فالتو کے خرچے ہوتے تھے، وہ بند ہو گئے، ورنہ جاتے تھے اور بازار میں پتہ نہیں کیا کیا خرید کے لے آتے تھے، نہ جانے کیا کھا لیتے تھے، نہ جانے کیا پہن لیتے تھے، اب وہ جانا آنا ہی بند ہو گیا ہے۔ تو اس نے آ کر کے ہم کو پھر سے الہی قانون کی طرف پہنچا دیا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ کورونا جو ہے لگتا ہے کہ بہت بڑا مسلمان ہے، اس لیے کہ پہلے ہم کہتے تھے اور ہم مسجد میں پڑھتے تھے تو ہم کو برا بھی کہا جاتا تھا کہ حجاب کر لیا جائے، عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے، سمجھانے سمجھاتے سمجھاتے پریشان ہو گئے، نہیں سمجھ میں آیا، اس کے بعد کہا کہ بھائی یہ نامحرموں سے ہاتھ نہ ملایا کرو، وہ سمجھانا بھی بڑا مشکل کام ہو گیا، ارے آپ کیا سمجھیں، ہم میٹنگ میں جاتے ہیں، ہمیں کارپوریٹ میٹنگ میں ملاقات ہوتی ہے، بڑے بڑے عہدیدار ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، مجبوری ہوتی ہے، کیا کر سکتے ہیں، مجبوری میں کرنا پڑتا ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں تھیں، لیکن کورونا نے آ کر کے منہ بھی بند کر دیا ہے، کان تک سب بند ہے، اوپر سے بھی پورا سب کور کر دیا ہے۔ یورپ والے کہتے تھے کہ نقاب کے خلاف انہوں نے قانون نکال دیا تھا، اب یورپ والے خود نقاب پہنے گھوم رہے ہیں، ہاتھ ملانے کے لیے بات ہوتی تھی، اب خود ہی گلوز پہنے ہوئے ہیں، چھ چھ فٹ دور کر دیا ہے، اب ہاتھ ملانا تو دور ہے، دور سے سلام کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ جتنے شراب خانے تھے وہ بند کروا دیے، جوئے خانے اس نے بند کروا دیے، نہ جانے کتنے لہو لواب کی چیزیں تھیں کہ روزانہ بیٹھ کر کے میچ دیکھتے تھے اور گیم کھیلتے تھے اور گیم کے اوپر جوئے کھیلے جاتے تھے، وہ سب کا سب کورونا نے بند کروا دیا۔ تو یہ ایک طرح سے یاد دہانی کرنے کے لیے آیا ہے اور مومنین کے لیے تنبیہ ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی ایسی ہونی چاہیے۔ ہاتھ دھونے کے لیے پریشان ہوتے تھے، اب دن میں کہا گیا 10-10 بار دھو، نہ ملے پانی تو سینیٹائزر سے ہی صاف کر لیں، یہی پہلے کہا جا رہا تھا تو سمجھ میں نہیں آتا تھا، وضو کے لیے کہا جاتا تھا تو پورا جسم جو ہے وہ بھیگ جاتا ہے، شرٹ خراب ہو جاتی ہے اور پاؤں سے موزہ اتاریے اور یہ کیجیے اور وہ کیجیے، اب سب بالکل صحیح ہو گیا۔ تو اس کے معنی یہی ہیں کہ عدل پر لانا، اور ہم ابھی عدل کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ کہہ دینا آسان ہے لیکن عدل پر ہم تیار نہیں ہیں، ذہنی طور پر بھی ہماری عادتیں خراب ہو گئی، جب عادت خراب ہو گئی ہے تو عادت کو ٹھیک کرنے میں بہت وقت لگے گا، کیونکہ اگر آج ظہور ہو جائے امام کا انشاءاللہ
और वो आकर के अदल को कायम करेंगे, जिनके लिए कहा गया कि यम लउल अर्दा किस्तन वादला कमा मोलिया जुल्मन मजौरा, जब वो आकर के पूरी दुनिया के ऊपर अदल को आयत करेंगे, कायम करेंगे, तो फिर अदल वो कैसा होगा? तकलीफ सबसे ज्यादा हम ही लोगों को होगी शायद, क्योंकि हमारी आदतें खराब हो गई हैं, दूसरे तो आदी नहीं है इसके, दूसरे तो जानते भी नहीं हैं, गैर को क्या मालूम, हम तो वाकिफ हैं, हम तो अलाजल अजल कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर वो आ गए और आकर हमसे उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारी जो आमदनी है वो गलत है, जिस घर में तुम रह रहे हो वो भी हराम है, चलो बाहर निकल आओ घर से, तो क्या हम में से किसी में हिम्मत है कि हम कर लेंगे ये सब काम? एक नमाज जुमा के सिलसिले में, नमाज जुमा पढ़ना आज जहाँ होती है, पांच लोग हो जाएं, पेश नमाज हो, तीन मील का फासला हो, जो जो उसके कवायद हैं, जो उसके मसले हैं उनके तहत अगर नमाज हो सकती है आप शिरकत कीजिए, पढ़ लीजिए, लेकिन जब इमाम आ जाएंगे तो ये नमाज वाजिब हो जाएगी, जब ये वाजिब हो जाएगी तो ये नमाज दोबारा नहीं हो सकती, ना इस नमाज की कज़ा हो सकती है। नमाज जुमा की कज़ा कैसे होगी जो बाजमात नमाज, नमाज ज़ोहर और असर की तो कज़ा मुमकिन है, लेकिन नमाज जुमा की कज़ा नहीं हो सकती। तो एक बार नमाज जुमा हो गई और अगर आप नहीं पहुंच पाए तो आपकी नमाज गई, तो इतने फ़र्क आ जाएंगे, हमारा रहना खाना पीना हर चीज़ बदल जाएगी। अली उसी अदल का नाम है जो इमाम ज़माना लेके आए इंशाअल्लाह। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अली को समझें और अली के अदल को समझें कि अली की ज़िंदगी का अदल किस तरह का था, अली का उठना बैठना, अली की नमाज़ें, अली की सखावत, अली की शजाअत, अली की फसाहत बलावत, हर चीज़ में मुकम्मल अदल था, न ज़्यादा बोलते थे और न चुप रहते थे, मौका आता था तो 25 साल तक खामोश बैठ जाते थे, और अगर किसी ने कह दिया तो ऐसा खुतबा देते थे कि कोई इसकी मुकाबला कर नहीं सकता। तो अदल को पहचानते थे, अदल के नुमाइंदे थे, अल्लाह की तरफ से अदल पर माशरे को लाने के लिए भेजे गए थे, तो लिहाजा अली ने वही काम अंजाम दिए कि जो एक इमाम आदिल को देना चाहिए। अब ये अदल अगर अल्लाह से वाबस्ता हो जाता है तो अल्लाह के लिए हम कहते हैं कि वो आदिल है, लेकिन जब इंसानों से वाबस्ता हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो मासूम, उसके पास वो इस्मत है कि हर सिफत उसकी नुक्ता अदल पर मौजूद है, और जब उसकी हर सिफत नुक्ता अदल पर है तो वो जो बोलेगा वो मालूम ये होगा कि जैसे वही की जबान बोल रहा, जो लिखेगा वो लगेगा वो तहरीर वही है जो तह ता कलाम खालिक, वो अगर तलवार चलाएगा तो उस हद तक चलाएगा जिस हद तक अदल चलाने देगी, जुल्म तक नहीं जा सकता। अगर वो सखावत करेगा तो इस हद तक सखावत करेगा कि अदल कायम रहे, अगर वो माल को तकसीम करेगा, माल गनीमत को देगा, तो उसमें भी वही एहतमाम वो करेगा। तो जब मुकम्मल जिंदगी इस तरह की हो जाएगी तो ये ऐन अदल होगी कि जिसके लिए कहा गया है कि अली की शहादत इस वजह से नहीं हुई कि कोई और वजह, अली शहीद हुए शिद्दत अदल की वजह से, माशरा अली के अदल को बर्दाश्त न कर पाया लिहाजा अली को शहीद कर दिया गया। आज की वो रात है कि जिसमें एक रोजेदार है कि जो ऐसे रोजे रखता है कि जिस पर मशीयत नाज करे वो रोजे, ये वो रोजेदार है कि जो रात को अपने किसी एक बेटे या बेटी के घर पर रहता है और एक लुकमे से बढ़ के नहीं खाता, इसके जिस्म में वो लुकमा जो जाता है वो भी अदल के साथ। लिहाजा आज की शब
उम्मे कुलसूम के घर, और उम्मे कुलसूम ने बाप के सामने अफ्तार रखा, नमक है, रोटी है और दूध। और मौलाए कायनात कहते हैं, बेटी तुम तो जानती हो कि एक वक्त में मैं बस दो चीजें खाता हूं, लिहाजा दूध को हटा दिया और इमाम ने नमक और रोटी से रोजा खोला है। इबादत में मशगूल हो गए, लेकिन आज की पूरी रात इमाम बार बार सहरे खाना पे आते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, सितारों को देखते हैं या खुदा की तरफ इशारा है, बस ये देख के कहते हैं कि बखुदा मेरे हबीब ने यही कहा था, यही वो रात है कि जिसका इंतजार था, जिसका वादा किया गया था। अल्लाह अकबर, मेरे मौला ये रात वाकई आपकी जुदाई की रात है, मेरे मौला ये रात वाकई आपसे जुदा होने, कायनात से आप जुदा हो रहे हैं, इस दुनिया से जुदा हो रहे हैं। और मौला ने पूरी रात इसी तरह से गुजारी। सहर का वक्त आने के करीब था, बेटी से रुखसत होकर निकल रहा है वो मौला जो यतीमों की परवरिश करने वाला, जो बेवाओं की दादरसी करने वाला, जो गुनाहगारों की मंजिले आखिरत है, जो वो पाक और तैयब इमाम है, नकी और तकी है, कि जिसके लिए जितने कसीदे पढ़े जाए वो कम। अपनी बेटी के घर से निकल रहे उम्मे कुलसूम के, और जंजीर दर ने रोका, और उसके बाद मुर्गाबियों ने एक मरतबा पाओं से वो लिपट गई, और इमाम कहते हैं बेटी इनको हटा लो, ये नौहा कर रही है मेरे जाने का, और अगर तुम इनकी निगहदाश्त कर सकना तो इनको रखना, वरना इनको आजाद कर देना। इमाम घर से निकले आए, अब ये हर कदम मौला का जो मेहराब तक जा रहा है वो कदम वो है कि जो एक कामयाब इंसान का कदम है, ये कदम वो है कि जो अदालत के साथ उठ के अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं, जो कादिर मुतलक की बारगाह में पहुंचने वाला है। मस्जिद में पहुंचे, अंधेरा छाया हुआ है, मशाल को रोशन किया, गुलदस्ते अजान पर गए, एक अजान अली ने दी है जो आखिरी अजान है मौला की। मैं कहूंगा इस अजान से मुझे एक अली की और अजान याद आती है जो अली अकबर ने दी थी सुबह आशूर। अरे दोनों अली हैं, लहजे का फर्क है या नहीं मुझे नहीं मालूम, इतना जानता हूं एक तीन दिन का प्यासा है और एक अभी अभी रोजा खोल के आया है। बस अली ने अजान दी और अजान देकर एक मरतबा मेहराब में आए हैं, इबादत करनी शुरू की है। मैं कहूँगा सजदा हो तो अली जैसा, इबादतें हों तो अली जैसी। दुश्मन ने भी फैसला कर लिया था कि अली को उस वक्त हम शहीद करेंगे कि जब अली की तवज्जो दुनिया की तरफ ना हो। अरे पहले से मालूम था कि जब एक मर्तबा पाँव में तीर लगा था तो वो तीर निकाला नहीं जा सकता था, इतना दर्द होता था मौला को। इसलिए इमाम हसन ने कहा कि अरे रुक जाओ, जब मेरे बाबा नमाज पढ़ रहे हों तब तीर निकाल लेना। अली ने नमाज पढ़ी, तीर को निकाला गया, पता भी ना चला। और नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले पे खून देख के पूछते हैं ये खून कैसे आ गया, बताया गया मौला ये वही तीर है जो पहले ना निकल सकता था, लेकिन नमाज में इतना खुजू और खुशू था, बारगाह इलाही में आप थे और उसी में हमने इस तीर को निकाल लिया। बस वही कैफियत इस वक्त मेहराब की है, मेहराब में मौला हैं, नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह की बारगाह में ये बंदा है। अब दुर माबूद का ये रिश्ता है, एक सजदा ऐसा है कि जो शायद ऐसा सजदा कायनात न देख सके। अली सजदे में गए हैं, उधर वो जालिम निकना इब्ने मुलजिम जिसके हाथ में वो तलवार है कि जिसको कई दिन तक जहर में बुझाया गया है, अरे वो तलवार लेके आगे बढ़ता है। आजादारो, अरे आगे बढ़ के मौला को बचा लो। लेकिन एक मरतबा जली ने
सही सज्जे से सर उठाने की कोशिश की, एक जरबे कारी लगी, अली का सर दो नीम हुआ। अरे अजब कैफियत है, पूरी कायनात जैसे हिल के रह गई। एक आवाज बुलंद हुई, अला कत्ल अल अमीर अल मोमिनीन, अरे अमीर अल मोमिनीन कत्ल कर दिए गए, इब्ने अम्मे मुस्तफा का कत्ल हो गया, अरकान हुदा मुनहदिम हो गए। अरे अब खून है, मुसल्ला है, नमाजी है, रोजेदार है, अल्लाह का बंदा है, नमाज को क्यों कर अदा करते। हसनैन मस्जिद में आए, बाबा की कैफियत देखी। अजरकुमल अल्लाह। अरे अजीजों, क्यों कर बयान किया जा सके, हर इमामत जो मिली है, एक इमामत से दूसरी इमामत तक जाने में जो सख्त इम्तिहान से गुजरी है, उसका अंदाजा करना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब हसन की इमामत का इम्तिहान है। इमाम हसन को हुक्म होता है, ए बेटा अब नमाज पढ़ा दो तुम। बेटा नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले में गया है, मेहराब पे गया है। मैं कहूंगा अब हसन के खुजू और खुशू का इम्तिहान है कि बाप जख्मी है, तड़प रहा है, और बेटा पूरे खुजू और खुशू से अल्लाह की बारगाह में इबादत में खड़ा है, उसकी किबरियाई कर रहा है, उसकी हम्द व सना कर रहा है। हसन ने नमाज पढ़ाई, बाप की कैफियत यह है कि सर पर खाक डाल रहे हैं। एक अजब नारा बुलंद किया है अली ने, पुस्तो रब्बिल काबा, अरे रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, आज कामयाबी मिली है मौला, राह खुदा में खून बहा कर आपको, ए मौला हमसे जुदा हो रहे हैं, आप कामयाब यकीनन हैं, आपके साथ सब कामयाब हैं, लेकिन मौला ये जुदाई दुनिया से, ये चाहने वालों से जुदाई, ये आजादारों से जुदाई, अरे ये फिराक क्यों करता है होगी ये मंजिलें। लेकिन उसके बाद इमाम हसन, इमाम हुसैन और अबुल फजल अब्बास एक गिलीम लाए, और गिलीम में अली के जिस्म अथर को रखा, अब सबने उठाया और लेके चले। मैं कहूंगा मौला यहां गिलीम आ गई है, यहां आपको दफन करने का इंतजाम भी है, लेकिन जरा करबला आ जाइए, हुसैन का लाशा जमीने करबला पर है, घोड़े दौड़ाए जाने की तैयारी। ज़ैनब के दिल से पूछिए, अरे कौन है जो तसल्ली दे। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين، ألا لعنة الله على قوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.